Matter in our surrounding, lesson 1, class 9th. Applications of evaporative cooling. क्या evaporation जैसे phenomena का कोई हमारे nature में utility भी है? Definitely. One utility is कि मिट्टी के घड़ों में रखा हुआ पानी बहुत ठंडा होता है, जबकि एक steel के घड़े में रखा हुआ पानी ठंडा नहीं होता. Reason, let's try to understand. Reason, मिट्टी के घड़े में बहुत ही टाइनी टाइनी होल्स होते हैं, सो इवेपोरेशन टेक्स प्लेस थ्रू दो स्मॉल होल्स ऑफ पॉट. तो वो इवेपोरेट होने के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स मिट्टी के अंदर जो पानी है उसके मॉलिक्यूल से हीट ले लेते हैं और कुछ हीट वो सराउंडिंग से ले लेते हैं, जबकि इस तरह के कोई छोटे छोटे होल्स स्टील में नहीं होते. तो इसीलिए स्टील के बर्तन में वाटर की इवेपोरेशन जैसा फिनोमिना नहीं होता, इसीलिए उसमें पानी गर्म रहता है जबकि मिट्टी के घड़े में ठंडा रहता है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ डेजर्ट कूलर्स वर्क. इट्स अ डायग्राम ऑफ डेजर्ट कूलर, यानी कि जो घरों में कूलर लगा होता है, गर्मियों में कूलर्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं. दे वर्क ऑन द फिनोमिना ऑफ इवेपोरेशन. सो हाउ दे वर्क, लेट अस अंडरस्टैंड. वन, कि एक इस तरह का फैन लगा होता है उसमें, ठीक है, तो वन साइड पे ऐसे फैन है, बाकी थ्री साइड्स पे इस तरह से जाली लगी होती है. ये जाली है और यहां पर घास होती है. एक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, एक पंप होता है जो कि वाटर को ऊपर राइज करेगा, देन इट मेक्स द वाटर फॉल ऑन द ग्रास दैट इज अटैच्ड टू द कवर्स, दे हैव स्पेस बिटवीन देम. तो ये जो जाली लगी होती है और उसको घास लगी होती है, उसके ऊपर कंटिन्यूसली पानी गिरता रहता है, तो क्या होता है कि जब ये फैन हवा आगे की तरफ को पुश करता है तो उसकी वजह से यहाँ पे हवा की कमी हो जाती है, तो जालियों से गर्म हवा अंदर की तरफ को जाने शुरू कर देती है. इस जाली से भी, इस साइड जाली वाले से, इस साइड, तीनों जालियों से जाना शुरू हो जाता है. जब वो जाना शुरू होती है तो वह हवा इस घास के ऊपर जो कि लगी हुई होती है इन जालियों के साथ, उसके थ्रू होकर जाती है हवा. जब वो उसके थ्रू होकर जाती है तो उस घास के ऊपर पानी गिरा हुआ होता है. तो पानी जब घास के ऊपर गिरता है तो पानी का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और जब गर्म हवा उसके थ्रू जाती है तो इवेपोरेट हो जाती है. तो ये घास इसके साथ इसीलिए अटैच होती है कि सरफेस एरिया बढ़ जाए. तो तीनों जालियों के थ्रू जब ऐसे हवा जाती है और इवेपोरेट होती है तो इस खाली जगह में इवेपोरेशन की वजह से ठंडी हवा हो जाती है, और धीरे धीरे ये फैन लाइक स्ट्रक्चर ठंडी हवा रूम के अंदर फेंकता रहता है, और हमें बाहर से आने वाली हॉट एयर को ये डिवाइस ठंडा करके उस ठंडी हवा को कमरे में भेजता रहता है. लेकिन इवेपोरेशन क्या डेजर्ट कूलर कर रहा है? नहीं, इवेपोरेशन तो एक नेचुरल फिनोमिना है, बस हमने इस की बॉडी में ऐसी चेंजेस कर दिए कि इवेपोरेशन ज्यादा हो. जितना ज्यादा इवेपोरेशन होगा उतना ही कूल एयर हमें मिलेगी. तो उसके लिए हमने क्या किया है, एक तो सरफेस एरिया इंक्रीज किया है, ठीक है, क्योंकि वो हमारे हाथ में है. हाँ, टेम्परेचर हमने नहीं बढ़ाया, टेम्परेचर तो गर्मियों में ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है. तो दो फैक्टर्स, हाई टेम्परेचर एंड मोर सरफेस एरिया, ये दोनों के दोनों हेल्प करते हैं इवेपोरेशन को इंक्रीज करने में. तीसरा फैक्टर जो हेल्प करता है, तीसरा फैक्टर ये है कि हवा में उस टाइम ह्यूमिडिटी कम होती है, तो इसीलिए वाटर भी और वाटर वेपर्स को लेने के लिए रेडी होती है. फोर्थ फिनोमिना भी हमने इसमें यूज किया हुआ है कि हमने हवा की स्पीड बढ़ाई है, फैन को यूज करके हवा की स्पीड बढ़ाई है. सो मोर इज द विंड स्पीड, मोर इज द इवेपोरेशन. तो दिस इज हाउ डेजर्ट कूलर्स मेक द एयर कूल. इवेपोरेशन ऑल्सो हेल्प्स आर बॉडी टू रिमेन कंफर्टेबल इन समर सीजन. लेट स्टडी हाउ. During summer season, we sweat a lot. यानी कि हमें पसीना बहुत आता है. Now in this picture they have shown, this is the skin surface.
and these tiny tiny drops of sweat. Now on the skin we have a layer of cloth. So when we wear cotton cloths, the sweat is absorbed by the cotton cloth. Now the cotton cloth becomes wet and the sweat is now exposed to air. So it will take heat from the surrounding and will take heat from our skin also and will evaporate. And when sweat will evaporate, as it has taken heat, some heat from your body also, so you will feel comfortable, you will feel better. And sweating takes place only when the body temperature slightly increases from your normal human body temperature. Because of heat in the surrounding, your body temperature starts increasing. And to bring it to normal, this is a mechanism of your body that it starts producing sweat. So sweat is actually a phenomenon which is controlling your body temperature. And how does it control your body temperature? Because when the sweat evaporates, it takes heat from your body, bringing the temperature of your body to again to normal. Along with three states of matter, there are two more states of matter that we should study. So that's why we say five states of matter. So three states of matter, solid, liquid and gas, we have already discussed. But scientists have discovered that there are two more states of matter. So one is plasma and the other one is Bose-Einstein condensate. Plasma. What is plasma? It is a state of matter in which the particles are super excited and the super energetic. They are in the form of ionized gas. तो इसमें क्या होता है कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा एनर्जी उनके अंदर आ जाती है, बहुत ज्यादा एनर्जाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो, और ये चीज गैसेस में होती है, सॉलिड या लिक्विड में नहीं होती. अगर मतलब जब तक कि कोई स्टेट गैसियस स्टेट में नहीं पहुंचेगा और फिर वो हाईली एनर्जाइज नहीं हो जाता, तब तक वो प्लाज्मा स्टेट में नहीं पहुंचता. हमने आम जिंदगी में प्लाज्मा स्टेट कहाँ देखा है? एज इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड इन ट्यूब लाइट्स एंड बल्ब्स, दीज गैस गेट आयनाइज्ड. दिस क्रिएट्स अ प्लाज्मा इनसाइड देम एंड दे ग्लो. तो हमारे घरों में जो बल्ब या ट्यूबलाइट्स हैं वो इसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं कि जब हम स्विच ऑन करते हैं तो एक्चुअली ट्यूबलाइट और बल्ब में गैस भरी हुई होती है. तो जब उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, हम ऑन कर देते हैं, तो वो उस गैस को प्लाज्मा वाली स्टेट में कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रिसिटी, और प्लाज्मा ग्लो करता है. प्लाज्मा वाली स्टेट में एक ग्लो इन्वॉल्व होता है, ये उसका एक नेचुरल बिहेवियर है. सन भी ग्लो करता है, स्टार्स भी ग्लो करते हैं, वो भी इसीलिए करते हैं बिकॉज दे हैव प्लाज्मा, उनमें प्लाज्मा प्रेजेंट है. ठीक है, तो नेचर में वहां प्रेजेंट है, हमने उसकी नकल करके स्मॉलर फॉर्म में ट्यूबलाइट और बल्ब में भी क्रिएट किया. फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, बोस एनस्टाइन कंडेंसेट, BEC का ये फुल फॉर्म है. इट इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर डिस्कवर्ड बाय एल्बर्ट एनस्टाइन on the basis of studies conducted by an Indian scientist Satyendranath Bose. तो इसको BEC इसीलिए कहा जाता है कि वैसे तो एल्बर्ट एनस्टाइन ने इसको डिस्कवर किया, लेकिन वो सारा क्रेडिट उनको नहीं दिया जा सकता क्योंकि जिस स्टडीज को यूज करके उन्होंने आगे डिस्कवर किया वो सत्येंद्रनाथ बोस की थी, यानी कि काफी काम सत्येंद्रनाथ बोस फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर पे कर चुके थे. तो उन्हीं की स्टडी को यूज करके फिर आगे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने फाइनली इसको डिस्कवर किया. इसीलिए दोनों साइंटिस्ट को सम्मान देने के लिए इसका नाम बोस एनस्टाइन कंडेंसेट कहा जाता है. कंडेंसेट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि बीईसी इज फॉर्म्ड बाय कंडेंसिंग गैसेस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी टू अ मच लोअर टेम्परेचर. जैसे प्लाज्मा में तो गैस को एनर्जाइज्ड कर दिया गया था, उसका टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ा दिया गया था, यहाँ पर ये स्टेट ऑफ मैटर उसके रिवर्स है. इसमें गैसेस को बहुत ज्यादा कूल डाउन कर दिया गया, बहुत ज्यादा कूल डाउन कर दिया गया है. तो
लो टेम्परेचर पे जब कर दिया जाता है तब ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर जिसे भी ईसी यानी कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा जाता है।